नमस्कार मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं पूर्वांचल के बहुत बड़े जो है डेयरी फार्म इश्तिया डेयरी फार्म जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थी और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे इस डेयरी फार्म के अनर से हम बातचीत करेंगे नमस्कार सर नमस्ते भैया सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे हमारा मोहम्मद इश्तिया जी दे। और डेयरी हमारी इश्तिया डेरी के नाम से जी ये हमारी जानकीपुरम में डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है जी उसी के बराबर में मिर्जापुर गांव में डेरी है हमारी और ये हमने अपना ऑफिस आगे बना रखा है जी जी यहाँ बैठने का और आ, कोई भी बाहर से आता है तो उसके रुकने का खाने दे, दे। पीने का सारा इंतजाम है तो काफी हमें काफी शानदार जो है लगा सर नेचुरल तरीके से ये हम हरियाणा में देख के आए थे जी 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 तो वहाँ से देख के ये बनाया है तो ये जो बनाया है सर तो वहाँ से आप कारीगर कारीगर नहीं, नहीं यहीं लिए आपने यहाँ से बहराइच के बुलाया था जी जी उन्होंने बनाया है ये हमारा सर। तो क्या इसका लंबाई होगा सर पूरा इस? ये पूरा अस्सी अस्सी दो से? रूम है इसमें जी जी और एक ये हमारी बैठक है और एक है हमारा ऑफिस है ऑफिस है सर तो काफी सर कॉस्टली पड़ा होगा बनाने में नहीं इसको तो देसी लुक में बनाया है ठीक सस्ते में बना है हमारा जी जी क्या लगभग सर कॉस्ट पड़ गया होगा एक अनु अमूमन ये हमारा जो बांस का स्ट्रक्चर है सब ये सौ रुपये फिट पेंटिंग समेत में जी जी ये हमको सब पड़ा हुआ है सौ रुपये सौ रुपये स्क्वायर फिट और ये रूम हमने अपने बना के दिए थे जी जी तो इसमें अंदर बाहर जो भी काम हुआ है वो सौ रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से हुआ है लाइट वोट की सारी व्यवस्था सर वो अलग से कराई हमने अलग से कराई अलग से कराई तो यहाँ पर हाँ ये हमारी बैठक है और ये हमारा ऑफिस है और इधर रूम बने हुए हैं कोई आने जाने रुकने की सारी व्यवस्था हमारे यहाँ बाहर से कोई भी आता है आपको कैसा होता है अच्छा यहां तो आप देख सकते हैं जैसे ही डेयरी फार्म के गेट पर एंट्री कीजिएगा यहाँ पर जो है गेस्ट हाउस बना हुआ है काफी जो है नेचुरल तरीके से इसको बनाया गया है और काफी शानदार जो है हमें लगा आप देख भी सकते हैं और इस तरह का डेयरी फार्म जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है और यह लखनऊ का सबसे बड़ा जो है डेरी फार्म है आप देख सकते हैं और इसी जो है गेस्ट हाउस के पीछे जो है इनका डेयरी फार्म है और यह डेयरी फार्म काफ़ी दूर में है लगभग चार बीघे में यह डेयरी फार्म है और यह डेयरी फार्म का एंट्री गेट है आप देख सकते हैं गाय और भैंस दोनों का फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं बुल है काफी शानदार बुल है जूम करके आपको हम दिखा दे रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जानवरों को खुला भी रखा गया है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं गायों के और स्टार्टिंग में जो शेड है यहाँ पर बंधी हुई है और सेड का हाइट भी काफ़ी अच्छा है और इसी सीढ़ी के द्वारा जो है गायों को चलाया जाता है इस साइड में भैंस है और काफ़ी खुला एरिया है शाम का समय है सभी गाय भैंसों को चारा पानी डाला जा रहा है और अगले अगला सेड आप देख सकते हैं यह समय जो है साढ़े तीन बजे के लगभग है जब शाम के समय गाय भैंसों को दाना पानी दिया जाता है शाम का समय है अब देख रहे हैं यहाँ पर भैंसों को बांध दिया गया है जाड़े का मौसम है इसलिए भैंसों को नहलाना संभव नहीं है काफ़ी ठंडक का मही महीना है अब देख सकते हैं भैंसों को नाद में पानी डाला जा रहा है और नाद भी काफ़ी अलग तरीके से बनाया गया है काफ़ी हमें शानदार भैं फॉर्म लगा और इस फार्म पर गाय और भैंस मिलाकर लगभग 300 के प्लस जो है जानवर हैं और इनका पर डे दूध जो है 1200 लीटर के आसपास होता है जो कुछ मिठाई के दुकान पर जाता है कुछ जो है डेयरी फार्म से ही जो है सेल हो जाता है दूध का रेट भैंसों का साठ रुपया इनका बिकता है शाम का समय है आप देख सकते हैं सभी भैंस खा रही है इन लोगों को डाल दिया गया है भूसा दाना पानी सभी कुछ डाल दिया गया है और ये वीडियो का फार्म का पर फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है सेकंड पार्ट में हम जानेंगे इन लोगों का खान पान सर्दियों में पशुओं को किस तरह रख रखाव किया जाता है हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे इस पार्ट में हम केवल आपको डेयरी फार्म को विजिट करा दे रहे हैं कि कहाँ पर क्या है किस तरह की व्यवस्था है आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल शेड़ है गर्मी में भी जानवर स्ट्रेस में नहीं रहते हैं आप देख सकते हैं लगातार भैंस बंधी हुई है और यहाँ पर ज़्यादातर मूरा नस्ल की भैंस है कुछ बन्नी नस्ल की भैंस है जो गुजरात की नस्ल है और पंजाब की नीली रावी भी है अब देख सकते हैं भूसा डाला जा रहा है यहाँ पे और इसी तरह ऊपर से जो है इन लोगों को दाना पानी दिया जाता है तो मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर करें इस समय केवल भैंसों को ब्रश कर दिया जाता है ठंडे में धोना संभव नहीं है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भैंसों को दाना पानी डाल दिया गया है अब ये भैंस अपना अपना भोजन कर रही है और यहाँ पर पानी में खिलाया जा रहा है क्योंकि कई जगह फार्म पर सूखा भी खिलाया जाता है कई जगह गीला खिलाया जा रहा है अलग अलग फार्म पर अलग अलग तरीके से खिलाया जाता है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए आप देख सकते हैं और इनके रख रखाव का पूरा वीडियो हम अगले पार्ट में बनाएंगे काफी हमें अच्छा लगा यहाँ पर आ कर के सभी भैंस खा रही है आपको बीच से चल करके हम आपको दिखा दे रहे हैं आप देख सकते हैं इसी बीच से चल करके इन लोगों को दाना पानी डाला जाता है और नाद के दोनों साइड में रड दिया गया है ताकि एक भैंस जो है दूसरे भैंस के नाद में ना खाए दोनों साइड से आप देख सकते हैं बांधा गया है इस सेड में केवल भैंस है ज़्यादातर मूरा नस्ल की भैंस है और इस तरह का डेयरी फार्म जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है और इनका प्रतिदिन दूध का उत्पादन 1200 लीटर के लगभग रहता है और दूध बेचने में इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होता है सारा दूध जो है आसानी से बिक जाता है कुछ दूध डेयरी फार्म से बिक जाता है और कुछ दुकान पर दे देते हैं आप देख सकते हैं डेयरी फार्म के अनर इस सर हैं सभी भैंसों को हम पीछे से ऑर्डर की बनावट हम दिखा दे रहे हैं आप देख सकते हैं तो इस डेयरी फार्म का सेकेंड पार्ट देखना न भूलें सेकेंड पार्ट बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद